जानकारी है, क्या है पूरा मसला इसका ट्वीट का और नेशनल एंथम का? जी सर देखिए, जैसे कि यू नो बॉम्बे में जो है वो हर शो के पहले थिएटर में नेशनल एंथम चलता है, और बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पे नहीं चलता है, मेजॉरिटी ऑफ देम। जैसे कि अगर आप बात करें यू नो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, तो एक्चुअली बात ये थी कि मैं थोड़ा सा शॉक था कि मैं बॉम्बे में रहता हूं अब क्योंकि यहाँ काम है, तो मैं दिल्ली गया हुआ था अपने माता जी की बर्थडे के लिए और हम फिल्म देखने गए, तो जैसा कि बॉम्बे में नेशनल एंथम चलता है शो के पहले, वहां नहीं चलता है, तो मैं थोड़ा सा शॉक था कि दिल्ली राजधानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से चलती है, कैपिटल है कंट्री की, और वहां नेशनल एंथम नहीं चलता है। तो उस पर मैंने 2010 में एक लेटर लिखा था शीला दीक्षित जी को, और उसका कुछ हुआ नहीं, फिर मैं भी उस बारे में कुछ कर नहीं पाया, और अभी फिर से जब मैं दिल्ली गया फिर से मैं फिल्म देखने गया और फिर से यही हुआ, तो मैंने जो है लेटर लिखा था अरविंद केजरीवाल जी को और नरेंद्र मोदी जी को, और दिल्ली क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है, वहां के जो पावर्स हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी होती हैं, तो उनको, तो उनके यहां से जवाब आया है, और उसके बाद हमने कई सारी स्टेट्स में यही किया है, लेटर लिखा है, और अब जो है इस इनिशिएटिव को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। आपके यू नो स्टार ऑफ द मिलेनियम मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने भी इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि वो शॉक्ड हैं कि और स्टेट्स में नेशनल एंथम क्यों नहीं होता है, क्योंकि यू नो आप देखें तो वी आर ऑल यू नो द सेम यू नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ इंडिया, एंड एक स्टेट में होता है तो दूसरी में भी होना चाहिए, और नेशनल एंथम से एक यूनिटी आती है। आप जब थिएटर में जाते हैं तो आप कभी भी सारे लोगों को वहां जानते नहीं है, आपके साथ वाले सीट पे एक हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है, अमीर, गरीब, यू नो बच्चा या बूढ़ा, तो वो जो 52 सेकंड है नेशनल एंथम के, वो एक मोमेंट है जहां आप एक फील करते हैं, इंडियन फील करते हैं, यूनिटी फील करते हैं, और अगर ये यूनिटी होगी तो और सारे जितने भी कैंपेन्स हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत हो या बेटी बचाओ हो, वो सब भी सारे लोग जब वो एक प्रेम पैदा होगा यू नो एक इंडियन होने का, एक इंडिया के लिए, एक अपनी कंट्री के लिए, तो आई थिंक सारे इनिशिएटिव्स भी हैं वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो अभी बहुत लोगों को लगता है कि यार अगर हमारे पास पैसा है तो हमें क्या, अगर लोग भूख से मर रहे हैं तो हमें क्या, अगर मिलावट हो रही है तो हमें क्या, अगर गंदगी हो रही है हमें क्या, क्योंकि तो अगर हम इतने अवेयर हैं तो फिर नेशनल एंथम के लिए क्यों नहीं। और इस मुहिम को और भी कई लोगों ने सपोर्ट किया है, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। इवन बाबा रामदेव जी ने एक वीडियो बनाई है इसके लिए कि वो चाहते हैं कि सारी गवर्नमेंट्स ये करें और इससे देश में एकजुट होने की भावना आएगी। और सिर्फ ये फिल्मी लोग ही नहीं, आप देखिए कि ओलंपियन सुशील कुमार हैं जो रेसलर हैं, उन्होंने भी मेरे लिए ये रिकॉर्ड करके भेजा है कि उनके लिए, मैं भी स्पोर्ट्स खेलता था जब मैं टीनेज में था, और मैं टेक्वांडो खेलता था इंडिया के लिए, तो वो जो मोमेंट है जब मैच से पहले आपका नेशनल एंथम पूरे स्टेडियम में चलता है, क्योंकि आप उस देश की उस समय रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस समय देश के लिए आपका मान है, तो वो बहुत कमाल की फीलिंग है। और इवन सुजीत सरकार जो डायरेक्टर है, उन्होंने ये कहा है कि जब वो एक्चुअली बंगाल से हैं और वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि वो बॉम्बे आए और फिल्म देखें, क्योंकि बॉम्बे में जब नेशनल एंथम चलता है शो के पहले तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विजुअल है 52 सेकंड का वो ये है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं जो सियाचिन में जो स्नो स्टॉर्म में हमारी यू नो रक्षा करते हैं उनके ऊपर। सर एक्चुअली मेरा जो इस बारे में नजरिया है वो थोड़ा सा अलग है। मेरा ये मानना है कि यू नो अब मैं 6 साल से एड्स कर रहा हूँ, मैंने काफी फिल्म के लोगों के साथ भी काम किया है, चाहे वो रणबीर हो या इम्तियाज अली या रोहित शेट्टी या करीना कपूर या शाहरुख। मेरा ये मानना है कि जो क्रिएटिव लोग हैं, हो सकता है कि आपकी फिल्म ना चले, जैसे कि सावेरिया नहीं चली थी रणबीर कपूर के लिए, पर अगर आप क्रिएटिवली अपने काम में अगर 10 में से 7 चीजें सही कर रहे हैं तो आई थिंक लोग पहले शो में आपको ऐसा तो नहीं कह देंगे कि बस इसके बाद इसको यहां से निकाल दो। तो एक्चुअली नर्वसनेस नहीं है, मुझे शायद मेरा नेचर ऐसा है, ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये दोस्ती के ऊपर फिल्म है और इसमें काफी मस्ती है, हमें प्रोमोस के लिए भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लोग जो हैं वो देखते हैं तो वो ये जरूर कहते हैं कि हम जरूर देखना चाहेंगे, बहुत फनी है, बहुत मजा लग रहा है फिल्म में, और
अब आई थिंक जब आप एक फिल्म शूट करते हैं और उसको खत्म करते हैं तो आपके एक अंदर की आवाज भी होती है, और अब एक्चुअली हम वेट ये कर रहे हैं कि लोगों को दिखा सकें और उनका रिएक्शन और अप्रिसिएशन ले सकें, तो मुझे इतनी नर्वसनेस नहीं है, मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ। जी जी, एजाज के साथ कैसी केमिस्ट्री रही और कितना चैलेंज रहा एजाज खान के साथ काम करना? देखिए तो फिल्म जो है वो यू नो मैंने उनसे पहले साइन की थी और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ रखी थी, मुझे पता था कि मोंटी के किरदार में एजाज खान है और उनकी जो बिग बॉस की थोड़ी छवि है और ये है, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये हो सकता है कि इनके साथ काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, ये हो सकता है कि यू नो आपको थोड़ा सा डाउन कर दें या यू नो आपकी भी लाइंस बोल दें या आपकी लाइंस कट कर दें, तो वो सब थोड़ा सा नर्वसनेस डाउट्स उस बात पे थे, बट एक्चुअली आई थिंक उन्हें भी ये लगा कि जो फिल्म है ये पूरी की पूरी दोस्ती के ऊपर है, ये किसी एक्शन हीरो या किसी कूल हीरो की फिल्म नहीं है, और अगर आप यू नो दोस्ती की फिल्म में केमिस्ट्री अगर आपकी सच्ची नहीं होगी तो फिर आप बिल्कुल भी उसे सक्सेसफुल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप देखें कि यू नो जय और वीरू लोगों को आज भी याद है, और कहानी यह है कि धर्मेंद्र जी वो सो फाउंड ऑफ अमित जी कि उन्होंने रमेश सिप्पी को कहा था कि तुम अमिताभ को क्यों नहीं लेते, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना ज्यादा झूठ ढाई घंटे के लिए नहीं बोल सकते, चाहे आप अच्छे एक्टर भी हो, कि यू नो अगर आपकी कड़ी जो है उस आदमी से नहीं जुड़ती है और आप उसको बेस्ट फ्रेंड एक ढाई घंटे में प्ले करें, तो आई थिंक उन्हें भी ये मालूम था और वो बिल्कुल भी जैसा लोगों को लगता है हमारे साथ वैसे नहीं थे। वो एक अलग बात है कि उनके साथ सेट पे बहुत एंटरटेनमेंट होता है, वो बहुत लोगों की टांग खींचते हैं, कभी ज्यादा भी खींच देते हैं, ये होता है कि सेट पे बहुत टाइम होता है जब लाइटिंग हो रही होती है, सेटअप हो रहा होता है, तो डल मोमेंट नहीं होता उनके साथ, वो कभी एक गाना गाएंगे, कभी किसी को परेशान करेंगे, कभी किसी का मजाक उड़ाएंगे, तो एक एंटरटेनिंग माहौल बना रहता है, बट या आई थिंक ही हैज ट्रीटेड अस विद वेरी ऑलमोस्ट भाई जैसा, वो मुझे ड्राई फ्रूट्स तो मेरे मुंह में ही डाल के जाते कि नहीं नहीं खा खा खा, तो आई थिंक ये ऐसे पल हैं जो मैं याद रखूंगा। एक्चुअली सबसे बड़ी हमारा जो जब हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, आज भी मेरा एम वही है कि जो भी फिल्म को देखे यू नो हम सबसे बड़ी फिल्म नहीं है, हम हमारा सबसे बड़ा क्या कहते हैं कोई हम हॉलीवुड फिल्म जितना प्रमोशन नहीं है, कोई इट्स नॉट द बिगेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर, बट एक चैलेंज जो हमेशा था कि ये दोस्ती के ऊपर फिल्म है और हमें ये लगता है कि स्क्रिप्ट जो है वो असली दोस्ती दिखाती है, तो मेरी सबसे बड़ी उम्मीद ये होगी कि लोग जब जितने भी लोग इस फिल्म को देखने जाएं और जब वो इस फिल्म को खत्म करके बाहर निकलें तो अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करें, याद करें और यू नो उनको अपने कुछ किस्से याद आए, अपने स्कूल के दिन याद आए, अपने कॉलेज के किस्से याद आए, यू नो अपने दोस्ती के किस्से, शादी के पहले के, शादी के बाद, सब वो सारे किस्से जो हम दिखा रहे हैं वो कहीं उनसे रिलेट